अगली खबर लखनऊ से, जहां सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे हैं अखिलेश यादव। यूपी पुलिस का मुख्यालय है सिग्नेचर बिल्डिंग। आपको बता दें कि सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी को जोड़कर देखा जा रहा है इस दौरे से, और अखिलेश यादव का सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचना कई मायने निकाले जा रहे हैं इसके। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी और इस गिरफ्तारी का मामला तोड़ निकाला जा रहा है कि सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचकर उस पर उससे जुड़ी कुछ बातचीत हो सकती है। और यूपी पुलिस का मुख्यालय है सिग्नेचर बिल्डिंग। आपको बता दें यूपी पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे अखिलेश यादव, सपा नेता, और सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के अब ये मामला प्रकाश में आया है। सिग्नेचर बिल्डिंग यूपी पुलिस का मुख्यालय है और ऐसे में मुख्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव। खासतौर पर मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का मामला निकाला जा रहा है कि सपा मीडिया सेल ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन की गिरफ्तारी का पूरा मामला हो सकता है, जिसके लिए आज यूपी पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे हुए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गया। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी, ये जिस तरह से सपा मीडिया सेल ट्विटर हैंडल का संचालक माने जाने वाले मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में सिग्नेचर ब्रिज अखिलेश यादव पहुंचे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास, क्या इसी के चलते वहां पहुंचे? मतलब है करना चाहती है, आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा, हम लोग 20 महीने में लगातार जेल के अंदर बंद रहा था और जो आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी उससे अधिक दमन जुल और जी। देखिए, हम यहाँ पे सिग्नेचर बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो अंदर हैं, उसका अपना विरोध करने हमारे साथ बात करने के खुद है। अरे रविदास मोहता जी, रविदास जी, क्या पूरा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, जो है भारतीय समाजवादी पार्टी के आईटी सेल का एक व्यक्ति जो पोस्ट करता है, उसके पोस्ट करने पर उसको गिरफ्तार करने का काम हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी दमन जुल्म अन्याय के आगे डरने वाले नहीं हैं। हम हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेंगे और इस जालिम सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी अध्यक्ष जी अंदर हैं और आप लोग अभी जब तक कोई मिलेगा नहीं, कोई अधिकारी, तब तक आप लोग नहीं हटेंगे? हाँ, नहीं हटेंगे। अध्यक्ष जी अंदर हैं, जब तक कोई अधिकारी आकर के उसको रिहा नहीं करेगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। तो ये थे रविदास मल्होत्रा जी, जो देखिए आप साफ तौर से बता रहे हैं कि जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से जो जुल्म किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाते कहा गया कि एक जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है, जो पोस्ट करता है, उसकी गिरफ्तारी है, उसकी गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपना बात करने आए थे, पर यहाँ पे कोई आला अधिकारी इसमें मौजूद नहीं है। जब तक कोई आला अधिकारी आता नहीं है और हमारे जो मनीष जगन अग्रवाल हैं उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब से अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे थे, इसके बाद आप देख सकते हैं लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था उनके प्रवक्ता मनोज सिंह यादव भी यहाँ पहुंचे थे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, नरेश उत्तम पटेल यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी कुछ देर पहले हम खुद सुने थे कि रविदास मल्होत्रा जो कि यहाँ से विधायक है, लखनऊ से विधायक है, वो भी यहाँ पहुंच चुके। तो तमाम तरीके की जो इस समय आप देख सकते हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव के यहाँ आने के बाद जो सिचुएशन है वो किस से किस पूरी आप देख सकते हैं कि तमाम जो अलतकारी हैं अब उनका
अब यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है। पुलिस फोर्सेज हम दिखाएंगे, बात करने की जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय होने लगी। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो जिस हिसाब से अखिलेश यादव और उनकी जो पूरी टीम है उनका ये कहना है कि जब तक हमें यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आला अधिकारी उनसे बात नहीं करेगा और जब तक मनीष जगन अग्रवाल की रिहाई नहीं होती तब तक वो सिग्नेचर बिल्डिंग से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल मनीष, और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इसका कि ये गिरफ्तारी जो हुई है ये गलत हुई है, और खासतौर पर आपसे जानना चाहूंगी अभद्र टिप्पणी के मामले पर ये कार्रवाई की गई है, तो क्या कुछ वो अभद्र टिप्पणी थी, क्या वो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए तमाम जो ट्विटर हैंडल था उससे तमाम पोस्ट हुए थे, हमने देखा था जिस तरह से तमाम उसमें जो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनको लेके, तमाम एक दो जो पत्रकार थे उनको लेके, तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणी हो रही थी उसको लेके शिकायत भी की गई थी। आपको बता दें ये तीसरी FIR है जिसके बाद एक पूरी कार्रवाई की गई है इसमें, जिसमें संघ के द्वारा भी इसमें एक FIR कराई गई थी, फिर भाजपा नेत्री हैं उनके द्वारा भी इसमें अभद्र टिप्पणी को लेकर FIR कर दी गई थी, और माना जाता है कि उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तमाम दिनों से इस पर चला था, सोशल मीडिया पर ये चला था, आज हमने खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से भी इसमें जानने की बात की तो उन्होंने कहा कि एक मर्यादित होनी चाहिए, अमर्यादित कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा काम करता है तो कानून अपना काम करेगा। तो उसी को लेकर आज सुबह माना जा रहा है कि मनीष जगन अग्रवाल जो कि ट्विटर हैंडलर हैं, उनके चीफ हैं सोशल मीडिया के, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद खुद अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आए हैं, उनके साथ तमाम नेतागण हैं, विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल हैं। उनका साफ तौर से कहना यह है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो गलत है, दोनों पक्षों को सुना जाए, दोनों के साक्ष्य लिए जाएं, और इधर से भी जो आलतकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हों, हमें अपनी बात रखनी है अभी, हालांकि क्योंकि संडे का दिन भी है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, अब देखना होगा किस तरीके से जो यूपी पुलिस है इसको पूरा हैंडल करती है। खैर बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके जो तमाम नेता हैं जो उनके पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे, उनका कहना है कि जब तक रिहाई नहीं होती या फिर कोई आला अधिकारी आके उनसे बात नहीं करता है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी मनीष, क्योंकि अब गिरफ्तार कर लिया गया है ट्विटर संचालक को, गिरफ्तार किया गया है, सपा सेल के ट्विटर संचालक है वो, और ऐसे में सपा की तरफ से क्या कुछ इसकी प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि नेता तो वहां पहुंच रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे में किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है? जो एक्ट लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं वो उसको देखना होगा, आमिर टिप्पणी है महिला के साथ अभिता वाली टिप्पणी का भी उसमें आरोप लगाया गया, तो आरोप ज़्यादा संगीन भी है उसको लेके कि पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो अपना पक्ष है उनका कहना है कि आप हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी तरफ से उनकी जो खिलाफ जो ट्विटर पे जो सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स हुए थे जो ट्रेंड किए गए थे उसको भी देखा जाए, दोनों तरफ से देखा जाए कि अगर एक तरफ से हमारी टिप्पणी हुई तो दूसरी तरफ से भी ऐसी ही टिप्पणियाँ की गई हैं। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई इसको लेके कोई FIR कोई लीगल नोटिस नहीं जारी की गई थी, अब पहली बार है जब मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हमने देखा है कि खुद अखिलेश यादव यहाँ पे आ गए हैं, अखिलेश यादव के साथ तमाम उनके विधायक हैं और उनके मंत्रीगण हैं वो यहाँ पे आला अधिकारियों से मिलने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि कोई आला अधिकारी आएगा तभी हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद यहाँ से रिहाई के बाद ही हम यहाँ सेटिंग देखना होगा कि पुलिस अपना काम कैसे करती है, पुलिस अपना क्या आश्वासन देती है, कौन सा आला अधिकारी अखिलेश यादव से यहाँ पे मिलता है जिसके बाद अखिलेश यादव यहाँ से जाते हैं। अभी फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो ये है कि जो आला अधिकारी हैं जो ACP हैं ADCP हैं DCP हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव से नीचे बिल्डिंग के अंदर है, वहाँ मीडिया को अलाउड नहीं किया गया है। तस्वीरें आप दिखा सकते हैं जो उनका कॉन्वे है अखिलेश यादव का वो आपको दिखा सकता हूँ कि अंदर पोर्टिको में आपको साफ दिखेगा कि वहाँ पे पोर्टिको में आपको तस्वीरें दिखेंगी, उनकी जो कॉन्वे की जो गाड़ी है वो अंदर है उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं अखिलेश यादव अंदर हैं और उनके साथ जो यहाँ के विधायक हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे अंदर है। तो माना जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि जो आला अधिकारी हों जो जो इस DGP से उनके मिलने का मांगना है कि ADGLO या DGP के रैंक का जो अधिकारी होगा उससे वो बात करेंगे और अपनी जो मनीष जगन अग्रवाल हैं उनकी रिहाई तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा। जी
मनीष वहां पर लोग मौजूद है, सपा की तरफ से नेता भी पहुंचे हैं। एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको कि स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी अपने लाल अशोक के साथ पूरा इधर आपको आते हुए नजर आ रहे होंगे। आप देख सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मौर्य यहाँ पे आ गए हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे लेके। पूरी स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए हैं, जो समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया चलाता है उसकी गिरफ्तारी करके यह लोकतंत्र की आवाज को कुचलने और दबाने का दुस्साहस है। भाई भाई मैं घोर निंदा करता हूं। भाई भाई देखना गाड़ी के साथ भाई लोकतंत्र पर हमला बंद हो यह हमारी मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा, स्वामी जी अभी आपने देखा मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी होगी, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे आ गए, क्या मांगे हैं आप लोग की? जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल को संचालन करने वाले जगन की गिरफ्तारी की गई है वो लोकतंत्र पर हमला है, विपक्ष की आवाज को दबाने का दुस्साहस है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने खुद हमसे बात की कि लोकतंत्र की हत्या जा रही है, लोकतंत्र की हत्या जो पुलिस प्रशासन है उसको आगे किया जा रहा है। तो ये कहना था स्वामी प्रसाद मौर्य को, जैसे जैसे ये खबर फैल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद जो तमाम बड़े नेता है उनका आने का क्रम भी यहाँ पे जारी है। जी बिल्कुल मनीष, और आपकी क्या किसी आला अधिकारी से बातचीत हो पाई कि क्या कुछ आगे किया जाएगा, क्या रुख अपनाया जाएगा? देखिए अभी तो जो तमाम बड़े शीर्ष नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, अखिलेश यादव सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे थे और उनके अंदर जाने के बाद यहाँ पे मीडिया को बाहर अलाउ अंदर अलाउ नहीं किया गया, बाहर देख सकते गेट का जो मेन गेट है एंट्री गेट उसको बंद कर दिया गया है और अखिलेश यादव और उनके जो तमाम अधिकारी और जो पदाधिकारी और जो उनके नेतागण हैं जो मेन हैं उनको खाली अंदर बुलाया गया है, उनके जो समर्थक हैं वो आप देख सकते हैं कि बाहर आपको दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो उनका है उन्होंने समय मांगा है कि हम पहले मिलेंगे जो जो अधिकारी उनसे मिलने के लिए और माना जा रहा है कि उनसे मिलने के बाद ही स्पष्ट स्थिति जो है स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा बड़ा अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि संडे के दिन जैसे मैंने बताया था संडे सीनियर बिल्डिंग में सामने अधिकारी होते वो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप इससे देख स्पष्ट देख सकते जब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तक कयास लगाए जा सकते हैं। हालांकि उनके तरह से स्पष्ट है कि जब तक कोई बाला नहीं होती है तब तक जाएंगे नहीं। जी ठीक है मनीष, और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आसपास में कोई सपा का नेता मौजूद है, उससे जरा आपसे अनुरोध करूंगी कि जरा बातचीत कीजिए कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं। अभी हमने रविदास मुर्मू, अभी कुछ देर पहले हमने रविदास मल्होत्रा जो कि विधायक है उनसे बात की थी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे हमने बात की थी, उन्होंने साफ कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या के लिए जिस तरीके से प्रशासन पुलिस का दुरुपयोग कर रही वो गलत है और उसके लिए ये प्रदर्शन जारी रहेगा। माना जा रहा है जिस स्थिति से जिस तरीके से एक ही तरफ का पक्ष सुना गया है, साफ तौर से उनका कहना है कि एक ही पक्ष का सुन के और एक तरफा कार्रवाई की गई है, अगर आपको कार्रवाई करनी चाहिए तो दोनों पक्षों को सुनिए, दोनों पक्षों की तरफ से जो तथ्य रखे गए उनको सामने कीजिए और गिरफ्तारी भी दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से ट्विटर हैंडल पे खाली एक तरफ से जो कार्रवाई करना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या जैसा अभी उन्होंने शामिल किया है। अब देखना होगा स्थिति अभी जैसे जैसे कोई नेता है, क्योंकि जो बड़े नेता दिया गया है उनको अंदर बुला लिया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के और खुद जो विधायक हैं उनसे हमने बात की थी और ये स्पष्ट क्लियर है उनकी तरफ से इंटीग्रेशन की अंदर से ये जो निर्देश हैं कि जब तक आलाधिकारी नहीं मिलेंगे और जब तक रिहाई नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन ये ऐसे ही जारी रहेगा। जी जी मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 1।